रफ्तार भाई भाई रफ्तार ही बोल रहे थे स्टेटर डाल के कि थारा भाई जोगिंदर वाक की सारे मेरी माँ को गाली दी जा रही है मेरी बहन को गाली दी जा रही है कोई नहीं यार यही कहूंगा कि मेरे जितने भाई यूट्यूबर है ना यार सब खुश रहो यार आप लोगों ने जो रोस्टिंग का धंधा बना रखा है चलाओ यार बहुत बढ़िया चलाओ पर भाई मैं कभी हार नहीं मानूंगा पब्लिक कितनी गाली बखे मेरे को कितनी भी गाली बखे पब्लिक मेरे को कि जो इंदर तू ये है वो है यार तब अपने दिल पे बीतती है ना तब पता चलता है मैं तब बोला था इन लोगों ने मेरे को गाली दी मेरे को रोस्ट किया मैंने इनका रिप्लाई किया तो पब्लिक पता क्या बोल रही है कि जो क्या, कर क्या करूंगा ऐसे फेम का मैं जो पब्लिक गाली बखती है कमेंट में आके मेरे को ऐसा फेम नहीं चाहिए मैंने एक्सपोज किया है न, यूट्यूबर को आगे रफ्तार भाई भाई रफ्तार ही बोल रहे थे स्टेटस डाल के थारा भाई जोगिंदर वाकई सब ठीक है पर बीट का क्या कसूर था भाई मैं कोई रैपर नहीं हूं और ना मैंने कभी कोई रैप किया मैंने कोशिश करी कोशिश इसलिए की क्योंकि मेरी इज्जत के ऊपर बात थी इन लोगों ने मेरी इज्जत मार्केट में बहुत खराब कर रखा मैंने इसलिए डिस्ट्रैक्ट निकाला ताकि कुछ तो लोग मेरी सपोर्ट में आए पर कोई मेरी सपोर्ट में नहीं आया सब यूट्यूबर की सपोर्ट में पब्लिक यूट्यूबर की सपोर्ट में अवतार भाई यूट्यूबर की सपोर्ट में पूरा बॉलीवुड यूट्यूबर की सपोर्ट में पर कोई सपोर्ट भी नहीं आता यार गरीब आदमी को कोई नहीं देखता ना कभी कोई देखेगा ठीक है आपको जो करना है ना आप करो मैं तो सोशल मीडिया पे अब कभी आऊँगा नहीं करवा तो कितने गाने डिलीट कराओगे यार अभी आप लोगों ने मेरा भूचाल गाना डिलीट करा दिया पता है कितनी मेहनत की थी पता है कितनी मेहनत की थी अपने आप को पब्लिक के सामने दिखाने के लिए कितनी मेहनत की थी मैंने उस गाने में तुम लोगों की सच्चाई खोल दी तो तुम सारी की सारी कम्युनिटी ने मेरा गाना डिलीट करवा दिया यही था ना मेरे को पता है किस किस ने मेरा गाना डिलीट करवाया किस किस का हाथ है किसी का हाथ नहीं है एक दस पंद्रह यूट्यूबर है ना छपरी जिन, जिनका मैं नाम ले लेके वीडियो बनाता था इन लोगों ने मेरा पूरा करियर खत्म करवा दिया करवा दो करियर खत्म